हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, और हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं सोचा चलो आज व्लॉग बना ली जाए काफ़ी टाइम बाद, तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ अपनी मार्केट, और वहाँ पहुँच के आपको मैं बताऊँगी कि मैं कौन सी मार्केट आ रही हूँ। तो मिलते हैं। सो यस गाइज, हम लोग निकल गए हैं और हमारी कैब आने वाली है जामा मस्जिद पर। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी एक जामा मस्जिद है, हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। और यहाँ लाइटिंग बहुत कम है, और मैंने सिंपल सी ड्रेस पहनी है, और ड्रेस ट्रैक पैंट पहनी है और टी शर्ट पहनी है। एंड ये है मेरी मम्मी, जो गर्मी से बहुत परेशान है। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट शॉपिंग करने तो जाना ही है। बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं लाने वाले हम लोग, बट स्टिल लाना तो है, भाई ईद है। तो बस हम लोग जा रहे हैं, कैब आने वाली है, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए गाइस, बकरा ईद के लिए बकरे आना शुरू हो गए थे मार्केट में, और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बकरे मिल रहे थे, लेकिन काफ़ी महंगे भी मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी कमला नगर मार्केट के लिए। तो यस गाइस, ये देखिए मैं आ गई थी कमला नगर मार्केट में, और देखिए आप लोग, ज़्यादा ना अभी क्राउड भी नहीं है, गर्मी की वजह से बहुत कम क्राउड रहता है। क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद इतनी गर्मी में शॉपिंग करना, पर हमारे को तो करनी ही थी क्योंकि ईद थी। तो ईद की वजह से हम लोग गए थे शॉपिंग करने, लिमिटेड जगह पर जाना था और ड्रेस लेके वापस आ जाना था। और ये हम पहुंच गए थे, यहाँ से मैंने एक सूट लिया था जो मुझे रिटर्न करके उसकी जगह दूसरा लेना था, क्योंकि उसके ना साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम। और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है, अगर आप लोग भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। बिल्कुल स्पार्क मॉल के अपोजिट साइड में था। उसके बाद मैं गई थी स्पार्क मॉल के अंदर, क्योंकि मेरे को H&M से कुछ लेना था जो कि मुझे नहीं मिला वो आर्टिकल। तो फिर मैं सोचा चलो तो आपको भी थोड़ा दिखा देती हूँ यहाँ का। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, और मुझे इस लेन में, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मुझे कुछ कॉटन में ही चाहिए था, और कॉटन में बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा था। ये देखिए आपको 600, 800, 1000, 2000 सब तरह के मिल जाएंगे, पर मुझे वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं अपनी वहाँ पर, मेरी एक फेवरेट शॉप है, मैं वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ पर भी देखे, पर नहीं गाइस, गर्मी मुझे इन कपड़ों में तभी इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये नहीं लिए इनमें से। एंड में आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिया था। तो ये देखिए, ये सारे आउटफिट थे, फिर यहाँ पे भी कॉटन का मिल रहा था, तो मैंने यहाँ से अपनी ड्रेस ले ली थी। यस गाइस, और कौन सी ली थी वो आपको ईद वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, मुझे पसंद आया यहीं पर। और यहाँ मेरी मम्मी और कलेक्शन देख रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फॉरएवर पे फुटवेयर देखने के लिए, जहाँ पे कुछ भी अच्छा कलेक्शन नहीं था, सो कलेक्शन ही था। तो फिर मैं ट्राई भी कर रही थी ये देखिए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग गए थे किन्स पर, ये देखिए मेरी ऑल टाइम फेवरेट किन्स। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे हमने कलेक्शन देखा जो कि बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैंने फुटवेयर अपनी ले ली थी, वो भी आपको ईद पे देखने को मिलेगी मेरे फुल आउटफिट में। और उसके बाद हम लोग आ गए थे उडुपी कुछ साउथ इंडियन खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लगने लग गई थी हमको। और मम्मी यहाँ पे मेन्यू चेक करते हुए कि क्या ऑर्डर करना है, तो हम सब ने अपना अपना ऑर्डर करा। और सोफिया ने करे थे ये फ्राइड राइस, जो कि बेस्ट थे। आई विल गिव दिस रेट 10 out of 10 गाइस, बहुत यम्मी एंड फ्रेश थे, और ज़्यादा उसमें सोया वगैरह भी नहीं था। देखिए मम्मा को भी काफ़ी पसंद आया ये। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था उत्तपम, ये भी बहुत टेस्टी था, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी आदत मुझे पड़ी है अपने कॉलेज से खाने की। और यहाँ पे आ गया था हम लोगों का मसाला डोसा, तो हम लोगों ने फिर डिनर करा वहाँ पे, और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। गाइज उसके बाद हम लोग रात को ये पुरानी एल्बम्स वीडियोस देख रहे थे। उसके बाद मुझे लगी थी भूख, और मुझे खानी थी चिकन बिरयानी मुरादाबादी वाली, और हमारे इधर बहुत यम्मी मिलती है, तो फिर हम वही लेने गए। मैं गई थी पापा के साथ, और हमने यहाँ पे लिया था चिकन फ्राई भी, तो यहाँ पे भैया चिकन फ्राई कर रहे थे। और ये रही यम्मी सी बिरयानी, और पापा ने बोला आप वेट करो मैं लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर पापा देखे बिरयानी ले रहे थे। उसके बाद देखिए माशाल्लाह बकरे भी आ गए थे हमारे, और देखिए कितने खूबसूरत बकरे थे। बकरे छोटे हों बड़े हों, माशाल्लाह सब ही बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये देखिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, यहाँ पे तस्मिया जैद हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। ये देखो तभी बकरे आए थे, और ये हमारे गाजी। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, और हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए।
एंड ऑल ऑफ सडन हम लोगों को जाना पड़ा, तो हम बाय मेट्रो गए थे और ये मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे चल रही हैं, और बिल्कुल मेट्रो के साथ में ये हॉस्पिटल था, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा, कैसे जाना पड़ा, वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे डैडी भी ऑफिस से आ गए थे, और यहाँ मेरे फूफा जी भी बैठे हुए हैं, ये देखिए फूफा जी भी आ गए थे। सो यस गाइज, हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से, और मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी थी, तो मैं अब यहाँ से कर रही हूँ। और मैं आई हुई थी अपनी फूफी से मिलने हॉस्पिटल में, जो कि एडमिट है। तो यस, ये रहा हॉस्पिटल, ये देखिए। और हम जस्ट पापा का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और फिर घर जाएंगे। काफ़ी रात हो गई, हम लोग दोपहर में आए थे। तो यस, और ये बैठी मम्मा। तो बस सबका मूड ऐसे ही ऑफ है, क्योंकि फूफू की तबीयत ख़राब है, एकदम से सडन हो गई है, तो उनको एडमिट करना पड़ा है, और ईद का भी टाइम था, बट इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग ये देखिए निकल गए थे हॉस्पिटल से, और आप सबसे भी बहुत बहुत गुजारिश करूँगी मेरी फूफू के लिए, सब दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो के अपने घर आ जाएँ, बस और कुछ नहीं, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सो यस गाइस, नेक्स्ट डे हो गया था, और यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे ज़ैनब तस्बीह के मेहंदी लगा रही थी, हम लोगों ने लगा ली थी, और फिर हम सब आ गए थे मेरे घर पे। और यहाँ पे देखो सब के सब इंजॉय कर रहे हैं अपनी मील्स, और रात को 2 बजे मील्स खाई जा रही हूँ। ज़ैनब की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, स्टिल वो मेरे मेहंदी लगा रही थी। ये देखिए हम लोगों ने मेहंदी लगा ली थी, और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि मैंने सारी तैयारी एंड टाइम पे ही करी है अपनी, तो इस वजह से। और देखिए ज़ैनब ने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई थी, और ये बज गए थे हमें 5, और फिर दोबारा हम लोगों को भूख लगी, और हमने कुछ भी नहीं था, तो हम लोग वही शेज़वान बटर एंड ब्रेड खा रहे थे। और ये देखिए हम लोगों की मस्ती चल रही थी, और हम सुबह सोए 7 बजे। यस गाइस, एंड उसके बाद मैं आ गई थी चूड़ी लेने। और बस गाइज, मैं यहीं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो 2 लाइक एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।